तो एक इमीडिएट कॉज होता है और एक रिमोट कॉज होता है, राइट। तो इमीडिएट कॉज ऐसा लगता है कि माया कर रही है सृष्टि का निर्माण, पर शास्त्र कोई ध्यान से पढ़ेगा उनको पता है ये एक्चुअल रिमोट कॉज है भगवान, जो प्रदान है, जो भगवान का दृष्टि पड़ता है प्रकृति पे, उससे ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है, राइट। जो कम बुद्धिमान के लोग हैं उनको लगता है प्रकृति कर रहा है। तो जैसे है कारणों दीक्षा विष्णु दृष्टि डालते हैं, और वो जैसे एक चीज में इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं आता, फैन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जब तक नहीं आता फैन नहीं घूमेगा, सब एवरीथिंग इज देयर, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा तो उसको शक्ति नहीं मिलेगा कार्य करने के लिए, मोशन में जाने के लिए। तो वैसे ही कारणों दीक्षा विष्णु प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, ही इलेक्ट्रीफाइज मैटर, वो इलेक्ट्रिसिटी जो शक्ति है प्रदान करते हैं। जैसे एक लोहा होता है वो आग नहीं है, पर आग के संपर्क में आएगा वो भी आग जैसा बन जाएगा। मैटर इज कंपेयर टू द पीस ऑफ आयरन एंड इट इज इलेक्ट्रीफाइड और मेड रेड हॉट बाय द ग्लांस और मैनिपुलेशन ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस ऑफ विष्णु। तो वैसे ही ये जो प्रकृति है लोहे की तरह है, वो उसके पास गर्मी नहीं है, पर भगवान के संपर्क में जब आता है लोहा, गर्मी के संपर्क में जब आता है वो भी गर्म जैसा बन जाता है। तो इसलिए जब प्रकृति संपर्क में आती है भगवान के तो भी कार्य करती है। तो ये भगवान के शक्ति के वजह से, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं अतएव कृष्ण मूल जगत का कारण, क्योंकि भगवान मूल कारण है, उनके शक्ति के वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति अलग अलग कार्य कर रही है। Therefore, the inert matter is neither efficient nor the material cause of cosmic manifestation. तो इसलिए जो जड़ पदार्थ है इस सृष्टि का निर्माण नहीं करता, इस सृष्टि का निर्माण होता है भगवान के दृष्टि से।